சிலவற்றை வந்து நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும் எதிர்க்க முடியாது கொசு டெங்கு காய்ச்சல் மலேரியா கொரோனா இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்க கூடாது ஒழித்து கட்ட வேண்டும் அப்படிதான் இந்த சனாதனம் சனாதன தர்மம் மீன்ஸ் காஸ்ட் ஹைராரி இட் ஹாஸ் நோ கிரேட் பிலசாபிக்கல் மீனிங் இன் தமிழ்நாடு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாக தான் சொன்னார் மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கு சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்லை

ऐसी हल्की बातों का हल्का जवाब देना आसान है लेकिन वो न करते हुए आज समझते हैं कि क्या वाकई ऐसा संभव है क्या सनातन को समाप्त किया जा सकता है ये प्रश्न ही बदलते हैं सनातन को समाप्त क्यों नहीं किया जा सकता जो कालांतर में खत्म नहीं हुआ जो हजारों साल पहले था और आज भी है उस सनातन धर्म को खत्म क्यों नहीं किया जा सकता ये समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं एक विदेश यात्रा पर ये जानते हैं कि दुनिया के लेखकों दार्शनिकों और बुद्धिजीवियों का सनातन पर क्या कहना था दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक हुए अल्बर्ट आइंस्टीन उनका कहना था हम भारतीयों के बेहद आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई जिसके बिना दुनिया की कोई बड़ी वैज्ञानिक खोज संभव नहीं थी मशहूर जर्मन स्कॉलर हुए मैक्स म्यूलर उन्होंने कहा अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन से आसमान के नीचे इंसानी दिमाग ने अपने सबसे कीमती गिफ्ट्स को डेवलप किया है किन परेशानियों पर गहराई से सोचा और उनका हल निकाला है तो मैं भारत की तरफ इशारा करूंगा एक अमेरिकी इतिहासकार और दार्शनिक हुए विल ड्यूरेंट उन्होंने कहा भारत हमारी नस्ल की मातृभूमि है फिलॉसफी मैथमेटिक्स क्रिश्चियनिटी के आइडियल्स सेल्फ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी ये सब भारत की देन है भारत हम सबके लिए एक मां की तरह है मशहूर अमेरिकी लेखक हुए मार्क ट्वेन उनका भी कुछ ऐसा ही कहना था भारत ह्यूमन रेस के लिए क्रैडल जैसा है यानी पालने जैसा है यह ह्यूमन स्पीच की जन्मस्थली है इतिहास की मदर है कहानियों की ग्रैंड मदर है और परंपराओं की ग्रेट ग्रैंड मदर है नाम के फ्रेंच स्कॉलर हुए उनका कहना था अगर धरती पर कोई ऐसी जगह है जहां सभी के सपनों को ठिकाना मिला हो तो वो भारत है उन्नीस से उन्नीस के बीच अमेरिका में चीन के एम्बेसडर थे हुशी उनका कहना था भारत ने 20वीं सदी तक कोई इंसान या सैनिक भेजे बिना चीन को सांस्कृतिक रूप से कॉन्कर और डोमिनेट किया है यहाँ एक और अनपॉपुलर ओपिनियन आ जाता है भारत दुनिया की इकलौती ऐसी सभ्यता है जिसने पहले किसी और सभ्यता या देश पर हमला नहीं किया जबकि हमारे देश में अरब आए यूनान आए मुगल मंगोल और अंग्रेज आए सभी ने भारत को अपनी समझ के चश्मे से देखा लेकिन भारत हर चश्मे से एक जैसा नजर आया सभी ने भारत को अपने मन मुताबिक उलट पलट कर देखा लेकिन सनातन की सूरत में कोई बदलाव नहीं आया हिंदुइज्म एक लिबरल थॉट है आप मंदिर में जाइए ना जाइए आप शिव को मानिए ना मानिए आप विष्णु को मानिए ना मानिए तब भी आप हिंदू हैं आधुनिक जमाने के लिए अगर कोई मोस्ट सूटेबल रिलीजन है वो हिंदुइज्म है बाकी जितने सिमेटिक रिलीजन है क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम ये बहुत स्ट्रेट जैकेटेड रिलीजन है अगर ये नहीं करेंगे या इस पर भरोसा नहीं है तो आप क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के फ्रेमवर्क से बाहर हो जाएंगे यह कहना था एक ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने देश के हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे वो भी एक संवेदनशील समय पर जब अयोध्या के राम मंदिर का सर्वे चल रहा था नाम है के के मोहम्मद एक अमुक मजहब से आने वाले व्यक्ति की सनातन को लेकर ऐसी सोच के दो मतलब हैं पहला कि के मोहम्मद वाकई उदार हैं उन्होंने सच को सच की तरह अपनाया बाकियों की तरह उसे खारिज या नजरअंदाज नहीं किया दूसरा खुद सनातन की उदारता असीम है क्योंकि जिसने सनातन को जाना और समझा उसकी मानसिकता के के मोहम्मद की कही गई बातों से बहुत अलग नहीं है ऐसे ही एक और अलग रिलीजन को मानने वाले व्यक्ति हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के एम जोसेफ उनका भी एक बयान है जो समझने में मदद करता है कि नॉन हिंदू सनातन को लेकर कैसी सोच रखते हैं और सनातन को खत्म क्यों नहीं किया जा सकता एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा मैं क्रिश्चियन हूं फिर भी हिंदुइज्म से बेहद लगाव रखता हूं और इसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए जैसा कि वेदों उपनिषदों और भगवत गीता में लिखा है हिंदुइज्म ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है उसकी बराबरी नहीं की जा सकती है हिंदुज्म ने मेटाफिजिक्स में बड़ी ऊंचाइयां छुई हैं हमें इस पर गर्व होना चाहिए न कि इसका अपमान किया जाना चाहिए हमें अपनी महानता पर गर्व होना चाहिए क्योंकि यही हमें उदार बनाती है मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को भी हिंदुज्म की फिलॉसफी पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन की किताब पढ़नी चाहिए केरल में अनेक राजा हुए जिन्होंने चर्च और मजहबी जगहों के लिए अपनी जमीन दान की थी आपने एक बात पर गौर किया दोनों ही नामों में दो बातें कॉमन हैं। दोनों हिंदू नहीं हैं और अपने अपने क्षेत्र में सिद्धस्त और तजुर्बेकार हैं। उन्हें यह स्वीकारने में कोई परेशानी नहीं है कि दुनिया का एक धर्म क्यों अलहदा है केम जोसेफ की बात में एक नाम का जिक्र आया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति जिनका जन्मदिन 5 सितंबर बतौर शिक्षक दिवस मनाया जाता है लेकिन उनका किरदार सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है उनके बारे में पढ़ते हुए पता लगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वेस्टर्न क्रिटिसिज्म का सामना करते हुए हिंदुज्म या सनातन धर्म को बेहद खूबसूरती से डिफेंड किया है उनका कहना था किसी तराजू में एक तरफ हिंदुज्म का साहित्य रख दो और दूसरी तरफ दुनिया के सभी धर्मों का साहित्य रख दो हमारे धर्म का साहित्य ही भारी पड़ेगा अपनी किताब द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में वो लिखते हैं हिंदू फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन स्टार्ट फ्रॉम एंड रिटर्न टू एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस यहां बाकी धर्मों की तरह आध्यात्मिक अनुभवों पर किसी तरह की लिमिटेशन नहीं है इसी किताब के एक हिस्से में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिखते हैं हिंदू थिंकर रेडली एडमिट्स ऑफ अदर पॉइंट ऑफ व्यू देन हिज ओन एंड कंसिडर्स देम टू बी जस्ट एज वर्दी ऑफ अटेंशन एक हिंदू जितना अपने नजरिए को स्वीकारता है उतना ही दूसरों के नजरिए को भी स्वीकारता है और उन्हें भी बराबर की अहमियत देता है 1926 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड के मैनचेस्टर कॉलेज में हिंदुइज़्म पर ही कहा था द मैन ऑफ एक्शन फाइंड हिज गॉड इन फायर द मैन ऑफ फीलिंग इन द हार्ट एंड द फीबल माइंडेड इन आइडल्स बट द स्ट्रांग इन स्पिरिट फाइंड्स गॉड एवरीवेयर द दीअर्स सी द सुप्रीम इन सेल्फ एंड नॉट द इमेजेस और ये आइडिया आया अहम ब्रह्मास्मि के कॉन्सेप्ट से जिसका मतलब ये हुआ कि जितना ब्रह्म मुझ में है उतना ही आप में और उतना हम सब में है। सनातन ने एक और अहम शब्द को जन्म दिया जिस शब्द के प्रैक्टिस की सुविधा दुनिया के बाकी धर्मों में शायद ही मिलती हो वो शब्द है स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ थॉट ऋग्वेद के प्रथम मंडल के एक सूक्त की छियालीसवीं ऋचा है एकम सत विप्रा बहुधा वी यानी एक ही सत्य है लेकिन जो विद्वान लोग हैं वो एक ही सत्य की अलग अलग तरीकों से व्याख्या कर सकते हैं श्रीमद भगवत गीता के चौथे अध्याय का ग्यारहवा श्लोक है ये यथा माम प्रपद्यंतेजा मम ये ईश्वर के लिए कहा गया है कि आप ईश्वर को जिस तरह याद करेंगे ईश्वर आपको वहीं और वैसे ही नजर आएंगे कोई गाय की पूजा करेगा तो उसे गाय में ईश्वर नजर आएगा और कोई हाथी को पूज्य मानेगा तो उसके लिए वहां ईश्वर होगा पेड़ों, पहाड़ों और नदी से लेकर कंकड़ों तक जो जैसा और जहां चाहेगा ईश्वर उसे वहां और वैसा ही मिलेगा तो क्या ऐसी सुविधा किसी और धर्म या संस्कृति में है क्या ऐसी फ्रीडम ऑफ थॉट दुनिया में कहीं और है फ्रीडम ऑफ थॉट और स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का इससे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक श्लोकों के उच्चारण से लेकर पूजा पद्धति तक कितना अंतर है यहाँ तक कि उत्तर और दक्षिण भारत की रामायण महाभारत के वर्जन्स भी अलग अलग हैं, लेकिन सभी को एक ऊर्जा और एक विश्वास ने बांध रखा है और कोई मेजर कंफ्लिक्ट थॉट नहीं है कुछ महीनों पहले एक फिल्म आई थी आदि पुरुष उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था उस फिल्म में हनुमान और रावण का चित्रण कैसा था ये पूरी दुनिया ने देखा वो बात अलग है कि फिल्म से जुड़े लोग तो कम से कम विद्वान नहीं कहे जा सकते हैं अगर रामायण के पात्रों के लिए उनकी रचनात्मकता इतनी सीमित थी फिर भी उन्होंने टीवी चैनल्स की बहस से लेकर इंटरव्यूज तक फिल्म के नाम पर जो किया उसे जस्टिफाई किया और ये कैसे कर पाए क्योंकि उनका धर्म उन्हें ऐसी स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ थॉट देता है जैसी कहीं और नहीं मिलती है साई मुसलमान थे हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यह आज सुनने में भले अच्छा नहीं लगता पर सच यही है कि थे तो मुसलमान ही लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि उनके बेहतर इंसान होने की दलील को खारिज नहीं किया जा सकता है बतौर इंसान उन्होंने इंसानियत के लिए जो किया वो सराहनीय था सिर्फ इसलिए तमाम धर्माचार्यों और शंकराचार्यों ने कहा कि अगर कोई साईं के प्रति आस्था रखता है तो रखे उसमें कोई समस्या नहीं है तभी से साईं को मंदिरों में जगह मिली तो ऐसी स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी कहाँ हो सकती है जहां आपको एक धर्म का होते हुए दूसरे धर्म के किरदारों को पूजने की स्वतंत्रता मिलती है दुनिया के धर्मों का फंडा तो क्लियर है जो गॉड या अल्लाह ने कहा उससे हट कर नहीं चल सकते हैं और न ही उनकी बात काट सकते हैं हमारे देश और हमारी संस्कृति में ब्लासवमी या ईष्ठनिंदा का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ कुरान और बाइबल के विरोध पर या अपने मन मुताबिक उनकी व्याख्या करने पर इंसान को धर्मद्रोही घोषित नहीं किया जाता सनातन में आप पूरी व्याख्या कर सकते हैं बशर्ते आप विद्वान हों आदि पुरुष के निर्देशक या डायलॉग राइटर ना हो और न ही उनके जैसी व्याख्या करें विद्वान वाली बात इसलिए भी जरूरी है कि हर कोई धर्म को समझ नहीं सकता इसलिए आचार्य व्यास ने पुराणों में लिखा है कि महाजनों ये न गतः सुपंथ यानी जिस युग में विद्वान आए या श्लोक के शब्दों में महाजन आएंगे सही रास्ता बताएंगे वही धर्म कहा जाएगा अब एक प्रश्न यह आ सकता है कि विद्वान शब्द पर इतना जोर क्यों है तो उसका भी जवाब है इसी श्लोक का शुरुआती हिस्सा है धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम यानी धर्म के तत्व को हर कोई समझ नहीं सकता धर्म को समझ पाना और धर्म को आत्मसात करना दोनों अलग बातें हैं 2018 में देश के चीफ जस्टिस रहे एस ए बोबड़े ने इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ थ्रू द वैल्यू ऑफ धर्मा पर एक लेक्चर दिया था उन्होंने कहा था द रूल ऑफ लॉ का ओरिजिन भारत में है रूल ऑफ लॉ जिसे भारत में धर्म कहा गया है वही आजकल के बहुत से लॉस का आधार है और धर्म को रिलीजन से क्लब करना हमारी भूल होगी रिलीजन लोगों को अलग करता है उनमें भेद करता है जबकि धर्म लोगों को एक करता है उपनिषदों में लिखा है कि धर्म से ऊपर कुछ नहीं है पूरे विषय का यह हिस्सा थोड़ा पेचीदा है पर यह जनता के बहुत से मुगालते खत्म कर सकता है सबसे पहली बात धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है भले बिना देरी किए और बिना सोचे समझे एक झटके में लोग धर्म को रिलीजन कह दें पर ऐसा नहीं है सनातन या धर्म हो सकता है पर रिलीजन नहीं धर्म यूनिवर्सल है उतना ही यूनिवर्सल जितने यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉज हैं सूर्य पूर्व से उदय होता है इस नियम को कौन बदल सकता है वैसे ही धर्म को भी नहीं बदला जा सकता है रिलीजन की शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई है पर धर्म की नहीं इसलिए धर्म को आदि और अनंत कहा जाता है जिस तरह दुनिया की शुरुआत कैसे हुई दुनिया के सिद्धांत किसने दिए कोई नहीं जानता ठीक वैसे ही धर्म का आरंभ भी कोई नहीं जानता रिलीजन के फाउंडर होते हैं पर हमने धर्म का फाउंडर आज तक नहीं सुना रिलीजन एक किताब पर चलता है लेकिन किताब से हटकर कर रिलीजन पर बात नहीं होती लेकिन धर्म का साहित्य बहुत व्यापक है कितना व्यापक है वेद कितने हैं चार ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद हर वेद के छे अंग है जिन्हें वेदांग या षडंग कहा गया छे अंग क्या है शिक्षा निरुक्त पाणिनी व्याकरण छंद अनुदात्त स्वर उदात्त स्वर कल्प श्रोत सूत्र ग्रह सूत्र धर्म सूत्र और ज्योतिष रामायण महाभारत रामचरित मानस और श्रीमद भगवत गीता जैसे धर्म ग्रंथों पर बात करनी हो तो ये वीडियो भी कम पड़ जाएगा ये तो वैसा साहित्य है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं धर्म से जुड़ा ऐसा साहित्य भी है जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं कालिदास ने लिखा ही है अस्तित्व रस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नागाधिराजह सनातन में तो सीधे हिमालय को ऐसा पत्थर बताया गया है जो पूजनीय है सनातन को खत्म करने के लिए हिमालय को खत्म करना पड़ेगा दोनों ही एक आम इंसान से खत्म होने से रहे हाँ अपना समय और ऊर्जा खपाने की आज़ादी सभी को है ट्राई कोई भी कर सकता है बहुतों ने किया वो आज नहीं है पर सनातन है सनातन में जंतुओं को आराध्य माना गया है उन्हें ईश्वर से जोड़कर देखा जाता है उन पर दया करने के लिए कहा जाता है इस लिहाज से तो सनातन की समाप्ति के लिए जंतुओं को समाप्त करना पड़ेगा वो भी संभव नहीं है एक बात इन सबसे ऊपर है आप सूर्य के अस्तित्व को मानिए या ना मानिए वो वहीं के वहीं रहेंगे नजर आने पर भी सूर्य का अस्तित्व है और नजर नहीं आने पर भी सूर्य का अस्तित्व है धर्म या सनातन भी कुछ ऐसा ही है ये हम सभी के आसपास है कोई स्वीकार करे या ना करे पर मानने वालों से लेकर नकारने वालों तक धर्म था है और रहेगा आम इंसान भले न देख पाए या देखना न चाहता हो पर धर्माचार्यों से लेकर ऋषि मुनियों तक सभी ने धर्म को जाना और समझा किसी ने वर्षा के जल को धर्म कहा तो किसी ने हवन की अग्नि को किसी ने नदी को आराध्य माना तो किसी ने फल फूल हवा देने वाले वृक्षों को ईश्वर तुल्य माना किसी ने वायु को ही धर्म मान लिया तो किसी ने सूरज की रोशनी को धर्म यही है इतना ही आदि इतना ही अनंत इतना ही अटूट और इतना ही कालजयी सनातन को कोसने और अनुचित ठहराने वाले हजारों साल पहले नहीं थे पर सनातन था हजारों साल बाद जब मेरी तरह कोई सनातन का उल्लेख करेगा तब सनातन होगा और विरोध करने वाले शायद नहीं होंगे होंगे भी तो इस मुगालते में ही होंगे कि सनातन को समाप्त किया जा सकता है युधिष्ठिर के अंत समय में जब यक्ष ने पूछा धर्म की व्याख्या करो तब युधिष्ठिर ने कहा तर्क यानी तर्क से धर्म की व्याख्या नहीं हो सकती आस्था का तर्क नहीं होता लोगों की एक ऐसे धर्म में आस्था है जो अनंत है जिस धर्म को बूझने में पीढ़ियां खप गईं और आज ही पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाई विज्ञान और धर्म के बीच का अंतर तो यही है कि विज्ञान जवाब दे सकता है फॉर्मूला दे सकता है जिंदगी आसान बना सकता है पर इंसान को बेहतर बनाने के लिए इंसान का जीवन और जीवन का दर्शन बेहतर बनाने के लिए धर्म अनिवार्य है जहाँ विज्ञान सीमित होगा वहाँ धर्म आएगा वही धर्म जो खुद में यूनिवर्सल है जिस धर्म के नियम यूनिवर्सल लॉज हैं जो धर्म शाश्वत है सत्य है और अनंत है